जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में नवरात्रि स्थापना सरल विधि जानेंगे। सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। चौकी इत्यादि में एक कलश स्थापना के लिए लोटा चाहिए, जिसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। मुख पर आप मौली बांध लीजिए। उसके पश्चात उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, गंगा जल मिश्रित करके। उसके अंदर आपको सुपारी डालनी है, हल्दी की गांठ, रुपया और थोड़ा सा दुर्वा और फूल अर्पित करके कलश स्थापना करनी है। समस्त देवी देवताओं का में वास माना जाता है। इसके पश्चात आपको जो पंच पल्लव लिए हैं उन्हें स्थापित करके अष्टदल कमल बनाकर या स्वास्तिक बनाकर चावल की एक छोटी सी कटोरी रखकर उसके ऊपर श्रीफल को स्थापित करना होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विस्तृत रूप से मैंने इसका वीडियो आप सबको पहले ही दिया हुआ है। इसे माता रानी के बाईं तरफ आपको रखना होता है। इस तरह से सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, समस्त चीज़ों को शुद्ध किया जाता है। यह माता रानी की फ़ोटो आपको लेनी है, साथ ही दो दीप लेने हैं, जैसे कि एक अखंड दीप के रूप में जिससे कि कभी भी हिलाया नहीं जाता, और दूसरा पूजन इत्यादि के समय जो लिया जाता है काम में, घर में घुमाने इत्यादि के बाद वह किया जाता है। गणेश जी महाराज चाहिए, जो कि सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है। माता रानी की 16 श्रृंगार की सामग्रियां और अभी जो उपलब्ध फल हैं, पान की पत्ती अभी उपलब्ध नहीं हो पाई, इत्र, गणेश जी महाराज की दुर्वा और उनकी प्रिय वस्तु फल इत्यादि, इस तरह से सरल तरीके से पूजन करना होता है। सबसे पहले ज्वारे आप चाहें तो अभी कर लीजिए, बो लीजिए। सबसे पहले ज्वारे बोने के लिए स्वास्तिक बनाया जाता है, उसके ऊपर साफ स्वच्छ मिट्टी डाली जाती है और उसके ऊपर से ज्वारे बोए जाते हैं। सबसे पहले समस्त पूजा का हमें साक्षी दीपक प्रज्वलित करना होता है, तो दीपक प्रज्वलित कर लिया है। उसके ऊपर भी, दीपक के ऊपर भी थोड़ा सा चंदन, रोली मोली, गंगा जल इत्यादि जल अर्पित करने के पश्चात दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब उसके पश्चात गणेश जी महाराज का पूजन होता है, उनको चंदन अर्पित करने के पश्चात दुर्वा, सुपारी और यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद उनका विधि विधान से पूजन कर लिया है। इसके पश्चात माता को जो है टीका लगा दिया है, इत्र अर्पित कर दिया है। माता के समस्त रूप इसमें अंकित हैं, मौली उनको अर्पित कर दी है। माता जी के नाम लेते हुए समस्त और उनके मंत्रों का जाप करते हुए और उनको चुनरी उड़ा दी है, इस तरह से फूल अर्पित करने हैं। और माता रानी के 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो कि बेहद आवश्यक होती हैं उन्हें अर्पित करने हैं। जो सूखे फल, पान, सुपारी इत्यादि जो माता रानी को अर्पित की जाती है वह उनको भोग के रूप में दिखा रही हूँ। मिष्ठान माता रानी को बेहद प्रिय हैं। लाल पुष्प, लाल रंग की वस्तुएँ, आप भी लाल वस्त्र धारण कीजिए और इस तरह से पूजन किया जाता है। इसके पश्चात जो ज्वारे बोए हैं उसको भी चंदन, टीका, फूल इत्यादि अर्पित करके इस तरह से किया जाता है। उसके पश्चात हवन सामग्री ली है, हवन किया जाता है, छोटा सा ही सही, आप छोटा सा हवन कीजिए, चाहे तो प्रथम दिन करके अंतिम दिन कर सकते हैं और अन्य दिनों छोटी सी पूजा कर लीजिए। आप लौंग सुपारी ले सकते हैं, लौंग लेने हैं, जोड़ा आवश्यक होता है, थोड़ा सा राई के दाने, थोड़ा सा जौ, तिल और बाजार में भी मिल जाता है, इस तरह से पूजन किया जाता है। हवन करने के पश्चात आप माता रानी की कथा सुने और उनकी प्रिय जो आपको पसंद हो वह आरती गाएं, इस तरह से पूजन किया जाता है। कभी भी चावल, जैसे आप देख पा रहे होंगे दीपक के नीचे मैंने चावल दिए हैं, माता रानी को आसन दिया है, गणेश जी महाराज को भी इसी तरह से आसन दिया है। आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, आप चाहें तो सोलस मातृका बनाए जाते हैं, पर मैं बता दूँ कभी भी अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं, कई लोगों को देखा है सिर्फ नवग्रह की स्थापना करके पूजन कर देते हैं, परंतु यह सही नहीं है। नवग्रह की स्थापना करते हैं तो सोलस मातृका भी अवश्य बनाएं, परंतु आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप यह नवग्रह और सोलस मातृका बनाते हैं तो उनके नियमों को भी अवश्य जाने, पूरी तरह से पूजन करना आवश्यक होता है, नहीं तो आप सरल तरीके से कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नवग्रह और सोलस मातृका बनाए जाएं। कलश स्थापना की जाती है तो उसमें ही समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है, इस तरह से यह माता रानी का पूजन किया जाता है। अभी मैंने हवन की सामग्री जलाकर नहीं दिखाई है आपको, सबसे पहले इसे हवन कर लेना है माता रानी का छोटा सा, उसके बाद आप आरती इत्यादि करेंगे, इस तरह से यह पूजन किया जाता है। आप चाहें तो प्रथम दिन कलश स्थापना करके अन्य दिनों छोटी सी पूजा करके कर सकते हैं।
आपके जैसा चलन है उस तरह से किया जा सकता है। यह सरल तरीका है जो हमारे यहाँ किया जाता है। इस तरह से यह पूजन हमारे यहाँ प्रथम दिन किया जाता है। आपके मन में कोई सवाल हो, माता रानी का जयकारा अवश्य लगाइएगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जैसे मैंने दीपक के बारे में बताया, धूप दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक होता है। एक, जिसका हम माता रानी को भोग लगाते हैं। दूसरा, सरल तरीके से 9 दिन के लिए अखंड रखा जाता है। आपके जैसा चलन हो, आप चाहें तो एक ही दीपक से भी पूजन कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।